हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपके सामने हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं वो हिडन स्पेशल नॉलेज देने की कोशिश करूँगी जो इस दुनिया से ख़त्म होने को है और बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। जो कुछ गुम हो चुकी हैं मैं उन्हीं निधियों को, उन्हीं नगीनों को ढूंढ के लाई हूँ जो कि हमारे एंशियंट नॉलेज में हैं। इतिहास गवाह है कि ज्ञान विज्ञान यानी साइंस और नॉलेज, रीति रिवाज, कस्टम्स, रिचुअल्स, इन सभी में बहुत चेंजेस आए हैं। टाइम के अनुसार वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया है। जब से ये दुनिया, ये ज़मीन बनी है तब से आयुर्वेद है। औषधियाँ जो लाए वो अवतार धन्वंतरी के अमृत कलश में आईं, फिर यूनानी और फिर होम्योपैथी। और मैं तीनों की भगत हूँ। तीनों का नॉलेज मैं आपको हर पोस्ट में अपने दूंगी। हमारे ऋग्वेद में सोम वृक्ष नामक औषधि का आश्चर्यजनक वर्णन है। ये सोम वृक्ष का मतलब क्या है? सोम मीन्स मून। मून से क्या निकलता है? मून से, सोम से, चंद्रमा से क्या निकलता है? अमृत निकलता है, नेक्टर निकलता है, जो कि जितनी प्लांटेशन हैं उन पे पड़ता है। इसीलिए आप हर धर्म में, हर मजहब में देखेंगे ईद, हमारे और पूर्णिमा के त्यौहार, इन सब में हम चंद्रमा को, चांद को देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि सोम वृक्ष नामक औषधि पर पूरी चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं। अथर्ववेद में औषधियों का और भी विस्तार मिलता है। अथर्ववेद का एक उपांग है जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद अथर्ववेद का ही सब पार्ट है। कैदेव निघंटु, धन्वंतरी निघंटु, राज निघंटु, भाव प्रकाश निघंटु, शालिग्राम निघंटु, ये सब आयुर्वेद पर आधारित हैं। जब सिकंदर हमारे देश में आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब हमारे देश में आए, तो यवन यानी यूनानी, इजिप्शियन जड़ी बूटियों पर बहुत काम हुआ। इजिप्शियन कल्चर को भी हम एक एंशियंट कल्चर मानते हैं। इट इज़ नॉट अ न्यू, ये एक बहुत पुराना कल्चर है। लुकमान हकीम आए, एरिस्टोटल आए यानी सिकंदर के गुरु सुकरात आए, और जड़ी बूटियों पे बहुत काम हुआ। उस समय हमारे राज दरबारों में यानी हिंदू राजा महाराजाओं के दरबारों में यूनानी हकीम रहा करते थे। उस वक्त अरेबियन कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान में जितनी औषधियां उत्पन्न होती थी, जितने हर्ब्स पैदा होते थे, उनका भी वर्णन जो है, उन सब की डिस्क्रिप्शन हमारे हिंदी के औषधि विज्ञान में है। उस समय के यूनानी ग्रंथों का आप नाम सुने प्लीज़। पहला तालीफ शरीफ, दूसरा मखजनूल मदविया, तीसरा पर्शियन में, फारसी में, 10th century में, 10वीं शताब्दी में जो उनके ग्रंथ हैं वो हैं अब मंसूर मुआफक्स, और 12वीं शताब्दी में, 12th century में उनके जो ग्रंथ हैं यूनानी के, जो मेडिसिन को प्रमोट करने के स्क्रिप्चर्स हैं, वो हैं दाखिराए ख्वर्ज शाही। उस वक्त हकीम कबीर उद्दीन साहब ने बहुत कुछ लिखा जो कि उनकी किताब मगज़न मुफरदात में है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उनके काम को बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इस काम में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मेरे नेक्स्ट सीरियल्स बहुत छोटे होंगे मेडिसिन पे, लेकिन एक ही सीरियल में मैं होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी
और हो सकता है चाइनीज़ मेडिसिन हमसे मिलती जुलती हैं, उन सब का जिक्र करूँगी। आप मेरे सभी सीरियल्स देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।